कहानी की शुरुआत में हम कुछ लोगों को देखते हैं जो कि एक खदान में काम कर रहे थे। तभी अचानक वहां पर एक धमाका होता है और ओलिवर नाम का एक आदमी जो कि उस खदान में काम करता था वो उनकी मदद के लिए भागता है और लोगों को बाहर निकालता है। पर उनमें से टैडी नाम के एक आदमी की मौत हो जाती है और उसकी डेड बॉडी को घर पहुंचाया जाता है जहां पर उसकी वाइफ ये देखकर बहुत रोती है। तभी सीन यहां से शिफ्ट होता है और हम एक पार्टी में कोनी नाम की एक खूबसूरत लड़की को देखते हैं। तभी उसके पास एक आदमी आता है जिसका नाम क्लिफर्ड था और वो बहुत अमीर था। अब कुछ देर बातें करने के बाद वो एक दूसरे से इम्प्रेस हो जाते हैं और साथ में डांस करने लगते हैं। लेकिन कोनी के दोस्त डंकन को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आता क्योंकि अब उन दोनों की ये मुलाकात प्यार में बदल चुकी थी, जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। शादी करते वक्त ये दोनों कसम खाते हैं कि ये दोनों एक दूसरे से हमेशा वफादार रहेंगे और कभी भी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। पर अब उन दोनों की मैरिज लाइफ सेना में जाना पड़ता है क्योंकि वो एक सोल्जर था। लेकिन जंग के दौरान क्लिफर्ड घायल हो जाता है और उसे वापस घर भेज दिया जाता है। हम देखते हैं कि आज क्लिफर्ड घर आ रहा था और सभी बहुत ज्यादा खुश थे और उसका वेलकम करने के लिए घर के बाहर खड़े हुए थे। क्लिफर्ड को देखकर कोनी बहुत ज्यादा खुश होती है, पर तभी हम देखते हैं कि उस जंग में घायल होने के बाद क्लिफर्ड के पेट के नीचे का हिस्सा पूरा पैरालाइज हो चुका था। अब क्लिफर्ड अपनी हालत से लाचार था और वो सबको थैंक यू बोलकर अंदर आ जाता है। वहीं कोनी क्लिफर्ड को देखकर खुश तो थी पर वो अंदर ही अंदर बहुत ही ज्यादा दुखी थी। उनकी खुशियों से भरी जिंदगी में कभी ऐसा मोड भी आएगा ये उसने कभी सोचा नहीं था। इसी बात से दुखी होकर क्लिफर्ड खुद को मारने की कोशिश भी करता है, पर कोनी उसे रोक लेती है। वो उसे विश्वास दिलाती है कि वो हमेशा उसके साथ रहेगी। अब इसके दूसरी तरफ हम ओलिवर को देखते हैं जो कि अपनी मंगेतर को लेटर लिख रहा होता है कि इस बार वो किसी खदान में काम नहीं कर रहा बल्कि इस बार वो जंग में है। फिर कुछ दिनों बाद जब ओलिवर छुट्टी लेकर घर पर आता है तो वहाँ पर वो अपनी मंगेतर को किसी दूसरे आदमी के साथ देख लेता है और उससे बिना मिले ही वहाँ से चला जाता है। फिर कुछ दिनों बाद ओलिवर काम मांगने के लिए क्लिफर्ड के पास जाता है। इसके बाद जब क्लिफर्ड उससे बात कर रहा था तब उसे पता चलता है कि ओलिवर भी उसी जंग में उसके अंडर काम कर रहा था। क्लिफर्ड इससे काफी इम्प्रेस हो जाता है और ओलिवर को उसके पक्षियों का ख्याल रखने का काम दे देता है। अपाहिज होने की वजह से क्लिफर्ड अपने लिए एक गाड़ी खरीदता है और जब वो उसमें बैठकर घूमता है तो उसे लगता है कि मानो उसके पैर वापस आ गए हों। फिर एक दिन वो कोनी के साथ ओलिवर के पास जाता है जो कि जंगल में बने एक कॉटेज में रहता था और पक्षियों की देखभाल करता था। वहाँ पर पहली बार कोनी ओलिवर को देखती है जिसे देखते ही वो उससे प्यार कर बैठती है। फिर वहाँ से वापस आते वक्त कोनी ओलिवर को इशारा देती है पर ओलिवर उसे समझ नहीं पाता। अगले दिन एक मेड कोनी के पास आती है और उसे कहती है कि ओलिवर अपने कॉटेज की चाबी मांग रहा है, तो कोनी खुद उसे वो चाबी देने उसके पास चली जाती है। फिर जब वो ओलिवर के पास पहुंचती है तो ओलिवर उसे ठीक से बात नहीं करता और उसे कहता है कि आपको ये तकलीफ उठाने की कोई जरूरत नहीं है। कोनी को भी ओलिवर के इस बिहेवियर पर गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में वहां से चली जाती है। अगले दिन ओलिवर कोनी को एक लेटर लिखता है जिसमें वो अपने बर्ताव के लिए उसे माफी मांगता है। इसके बाद कोनी फिर से उससे मिलने उसके कॉटेज में जाती है जहाँ पर ओलिवर अपनी शर्ट उतारकर काम कर रहा था। फिर जब कोनी उसके बदन को देखती है तो उसके भी तन बदन में आग लग जाती है। ये देखकर कोनी खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती और ओलिवर के पास जाने लगती है, पर तभी ओलिवर भी उसे देख लेता है और अपनी शर्ट वापस पहन लेता है क्योंकि वो कोनी की इज्जत करता था। कोनी को ये जगह बहुत पसंद थी इसलिए वो ओलिवर को कहती है कि मैं हर रोज यहाँ पर पेंटिंग करने आऊंगी, पर ओलिवर उसे कहता है कि मैं ये जगह आपके लिए साफ कर दूंगा और मैं किसी दूसरी जगह चला जाऊंगा। कोनी उसे कहती है कि तुम्हें कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है और तुम मुझसे इतना भाग क्यों रहे हो। यहाँ पर कोनी ओलिवर से गुस्सा हो जाती है और वहाँ से जाने लगती है। लेकिन तभी वहाँ पर बारिश आ जाती है इसलिए वो ओलिवर के साथ उसके कॉटेज में चली जाती है जहाँ पर वो दोनों आग जलाकर खुद को गर्म करने लगते हैं। पर तभी ओलिवर वहाँ से उठ जाता है क्योंकि वो कोनी के इरादे समझ रहा था। कोनी उससे पूछती है कि तुम मुझसे दूर क्यों भाग रहे हो, तो ओलिवर उसे कहता है कि मैं तुमसे दूर नहीं भाग रहा, बस मैं डर रहा हूँ क्योंकि अगर क्लिफर्ड को हमारे बारे में पता चल गया तो मेरी नौकरी चली जाएगी। अब ओलिवर ने कोनी को इग्नोर कर दिया था इसलिए वो वहाँ से उठकर घर चली जाती है। फिर एक दिन कोनी क्लिफर्ड से कहती है कि मुझे बहुत ही अफसोस है कि हमारा कोई बच्चा नहीं है। इस पर क्लिफर्ड उसे कहता है कि मैं तो बहुत कोशिश कर रहा हूँ और अपने शरीर को ठीक करने के लिए वो उसके ऊपर करंट के झटके देता है। क्लिफर्ड दर्द से बहुत चिल्ला रहा था और फिर जब आखिरी में कोनी से उसका दर्द देखा नहीं जाता तो वो क्लिफर्ड को रोक देती है। अब क्लिफर्ड इस काम में नाकाम रहता है इसलिए वो रोने लगता है। अब इसके अगले दिन कोनी जंगल में जाती है पर तभी उसे ओलिवर के काम करने की आवाज सुनाई देती है, तो वो तुरंत उसके पास चली जाती है। जहाँ पहुंचकर वो छोटे चूजों को देखती है और उन्हें देखकर रोने लगती है। उन बच्चों को देखकर उसे अपने बच्चों की याद आती है जो कि शायद वो कभी पैदा नहीं कर पाएगी। अब कोनी को रोता देखकर ओलिवर उसके पास आता है और उसे गले लगा लेता है। अब ओलिवर भी कोनी को पसंद करने लगा था इसलिए वो उसे अपने साथ अपने कॉटेज में ले जाता है जहाँ पर वो दोनों इंटीमेट होते हैं। कोनी पूरे दिन ओलिवर के साथ ही रहती है और फिर जब शाम होने को आती है तो ओलिवर उसे घर छोड़ने उसके साथ जाता है। जाने से पहले कोनी ओलिवर से पूछती है कि तुमने जो भी किया क्या तुम्हें उसका कोई पछतावा है, जिस पर ओलिवर कहता है कि नहीं, मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ और अब तुम सिर्फ मेरी हो।
उसी रात बहुत तेज तूफान आता है और बादल गरजने लगते हैं। ओलिवर को कोनी की बहुत याद आ रही थी, इसलिए वो बहुत ज्यादा दारू पी लेता है। वहाँ पर कोनी की भी नींद उड़ चुकी थी और वो भी ओलिवर की यादों में सो नहीं पाती। फिर वो खिड़की से ओलिवर के घर की रोशनी को देखती है और वो खुद को रोक नहीं पाती और दौड़ते हुए ओलिवर के पास चली जाती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि कोनी को जाते हुए उनके घर की एक मेड उसे देख लेती है। वहीं ओलिवर भी वहाँ पर कोनी का इंतजार कर रहा था और वो कोनी को कहता है कि मुझे नहीं लगा था कि तुम मुझसे मिलने आओगी। इस पर कोनी उसे कहती है कि मैं कभी भी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी, और फिर वो दोनों वहीं पर इंटीमेट होते हैं। एक दिन क्लिफर्ड के घर पर एक पार्टी होती है जहाँ पर डंकन भी आया होता है। फिर क्लिफर्ड देखता है कि कोनी और डंकन साथ में डांस कर रहे हैं और उसे ये देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अगली सुबह क्लिफर्ड कोनी से कहता है कि तुम्हारे लिए तुम्हारे पति से ज्यादा इम्पोर्टेंट एक बच्चा पैदा करना है। कोनी हमेशा से ही एक बच्चा चाहती थी और क्लिफर्ड को लगता है कि शायद इसीलिए कोनी डंकन के करीब जा रही है। पर इस बात से कोनी बहुत गुस्सा हो जाती है, जिस पर क्लिफर्ड उसे कहता है कि उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम किसी से भी अपना बच्चा पैदा करो, बस वो बच्चा मेरा होना चाहिए। अब इस बात से गुस्सा होकर कोनी ओलिवर के पास चली जाती है और उसके साथ इंटीमेट होती है। फिर एक दिन कोनी को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है और वो इस बारे में क्लिफर्ड को बताती है। क्लिफर्ड ये सुनकर बहुत खुश होता है और वो कोनी से उस आदमी का नाम पूछता है, पर कोनी उस आदमी का नाम नहीं बताती। एक दिन क्लिफर्ड ओलिवर से मिलने उसके पास जाता है और वो कोनी को भी अपने साथ चलने को कहता है। अब वो दोनों जा ही रहे थे कि तभी ओलिवर पीछे से आता है और कोनी को पकड़कर किस करने लगता है। अब वो दोनों किस कर रहे थे कि तभी क्लिफर्ड कोनी को आवाज लगाता है। दरअसल क्लिफर्ड की गाड़ी कीचड़ में फंस गई थी, पर तभी वहाँ पर ओलिवर आता है और उसकी गाड़ी को धक्का लगाने लगता है। पर इसी दौरान वो खांसने लगता है क्योंकि खदान में काम करने की वजह से उसके दोनों लंग्स खराब हो चुके थे। फिर कोनी क्लिफर्ड से कहती है कि तुम ओलिवर को रोक दो, नहीं तो वो मर जाएगा, लेकिन क्लिफर्ड ऐसा नहीं करता। अब फाइनली ओलिवर उसकी गाड़ी को कीचड़ से निकाल देता है और खांसता हुआ वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद कोनी ओलिवर के पास आती है तो ओलिवर उसे गुस्से में कहता है कि उसने 12 सालों तक उनकी खदानों में काम किया और अपने लंग्स खराब कर दिए, लेकिन इसके बाद भी उसे जंग के लिए फ्रांस भेज दिया गया। वो कहता है कि मेरी लाइफ तुम लोगों जैसी नहीं है, इसलिए तुम अपने पति के पास वापस चली जाओ। फिर एक दिन कोनी की मेड मिस बोल्टन ओलिवर के कॉटेज में जाती है जहाँ पर उसे कोनी की डायरी मिलती है और उस डायरी को देखकर वो समझ जाती है कि कोनी के पेट में जो बच्चा है वो ओलिवर का है। एक दिन क्लिफर्ड आने वाले बच्चे की खुशी में अपने घर पर एक पार्टी रखता है, पर तभी वहाँ पर मिस बोल्टन आती है और क्लिफर्ड को कहती है कि कोनी के पेट में जो बच्चा है वो ओलिवर का है। फिर जब कोनी क्लिफर्ड से मिलती है तो क्लिफर्ड उसे बहुत नाराज हो जाता है। इसके बाद कोनी मिस बोल्टन के पास आती है और उसे पूछती है कि तुम्हें किसने बताया। मिस बोल्टन कहती है कि मुझे कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। अब कोनी को लगता है कि शायद मिस बोल्टन को ओलिवर ने बताया होगा, पर मिस बोल्टन उसे कहती है कि उसने मुझे कुछ नहीं बताया। अब इस बात से कोनी रोने लगती है और उसे कहती है कि वो ओलिवर से बहुत प्यार करती है। फिर मिस बोल्टन उसके पास आती है और उससे माफी मांगते हुए कहती है कि जल्दी से ओलिवर के पास जाओ वरना तुम्हारा पति उसे मार देगा। अभी सुनकर कोनी भागते हुए ओलिवर के आउटहाउस में जाती है और देखती है कि वहाँ पर कोई नहीं होता। ये देखकर कोनी रोने लग जाती है, पर तभी वहाँ पर ओलिवर आ जाता है और उसे देखकर कोनी उसे गले लगा लेती है। इसके बाद हम देखते हैं कि कोनी क्लिफर्ड के घर पर आती है जहाँ पर वो उससे डिवोर्स मांगती है, पर क्लिफर्ड उसे मना कर देता है और ओलिवर को बुलाने के लिए कहता है। पर फिर जब ओलिवर वहाँ पर आता है तो वो दोनों आपस में बहुत बहस करते हैं और फाइनली कोनी और ओलिवर क्लिफर्ड के घर को छोड़कर चले जाते हैं। फिर उनके जाते वक्त क्लिफर्ड वहाँ पर आता है और वो कोनी को तलाक देने के लिए मान जाता है। दोस्तों, ये फिल्म किसी भी तरह से कोनी के ये काम को जस्टिफाई नहीं करती। कोनी ने क्लिफर्ड के साथ जो भी किया वो सही नहीं था। यहाँ पर डायरेक्टर आपके लिए ओपन एंडिंग छोड़ देता है जहाँ पर आपको खुद डिसाइड करना है कि कौन सही है और कौन गलत। और दोस्तों, इसी के साथ ही ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है।